बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वीडियो में बात करेंगे कि सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने उदा का जो फीचर लॉन्च किया है, इस हवाले से कुछ और डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, इसकी कुछ शराइत हैं, अगर उन शराइत पर पूरा उतरता है कोई तो उसे जाने की इजाज़त है, वरना किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से ममालिक वाले जा सकते हैं। फिलहाल ये सर्विस पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया और फिलीपाइन के लिए मयसर है। फिलहाल इंडिया के लिए ये सर्विस स्टार्ट नहीं है। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि जाने के लिए क्राइटेरिया क्या है, तभी जाने दिया जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर करते हैं कि एक वैलिड वीजा होना चाहिए, चाहे वो फाइनल एग्जिट है, चाहे वो फिर एग्जिट री एंट्री है या टूरिस्ट वीजा है, चाहे बिजनेस या किसी भी किस्म का वीजा है, लेकिन वैलिड हो, वीजा खत्म ना हुआ हो। दूसरी अहम बात यह है कि एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जो कि एक्सपायर ना हो और अमल में हो, तभी जा सकते हैं आप। नाज़रीन, इसके अलावा आपका फिंगरप्रिंट जवाजात में रजिस्टर्ड हो। इसके साथ साथ आपको आगाह करते चलें कि आप पर कोई भी केस नहीं होना चाहिए। जिसने जाना हो वो शख्स मतलूब ना हो, उसका हरूब ना लगा हो, कोई भी केस नहीं होना चाहिए, तभी जाने दिया जाएगा। नाज़रीन, ये थी आज की सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबर। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही, जज़ाकअल्लाह।